हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के इस लेक्चर में सॉल्यूशन करने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर इकोनॉमिक्स का, जो राजस्थान बोर्ड ने करंट ईयर 2023-24 के लिए पब्लिश किया है। लेकिन पहले बात करें कौन कौन से चेंजेस इस साल के मॉडल पेपर और लास्ट ईयर के मॉडल पेपर से हुए हैं। इस साल में 3 MCQ बढ़ गए हैं लास्ट ईयर के कंपेरिजन में, फिलिंदी ब्लैंक्स एक बढ़ गया है, इसके अलावा वेरी शॉर्ट कुछ एक या दो कम हो चुके हैं, और लॉन्ग आंसर टाइप में तीन तीन नंबर के क्वेश्चन में चॉइसेस भी आप लोगों को मिलेंगी। इस टॉपिक पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, जिन बच्चों ने अभी तक वो नहीं देखी है, एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख कर जाएं। बात करें सीधे सॉल्यूशन की, सबसे पहला एमसीक्यू टाइप सेक्शन ए, जिसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स रहेंगे और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे। पहला कहता है हु इज नोन एज फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो वो है एडम स्मिथ। दूसरा क्वेश्चन द रिटर्न ऑफ ह्यूमन लेबर इज, ह्यूमन लेबर काम करती है वेजेस के लिए, ऑप्शन डी। इसके अलावा जो रेंट है वो लैंड का आउटकम है या फिर लैंड का रिटर्न है, जो इंटरेस्ट है वो कैपिटल के लिए है, और जो एंटरप्रेन्योर वो काम करता है प्रॉफिट के लिए। अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रीगेट मॉनिटरी रिसोर्स, इकोनॉमी की हमें मनी सप्लाई मेजर करनी है, तो उसके लिए है M3, मेजर थ्री। इसके अलावा M1 है मोस्ट लिक्विड मेजर, M4 है लीस्ट लिक्विड मेजर। अगला कहता है डिमांड फॉर मनी द स्पेकुलेटिव मोटिव डिपेंड्स अपॉन, जो मनी का स्पेकुलेटिव मोटिव है वो डिपेंड करेगा इंटरेस्ट पर, ऑप्शन रहेगा डी। अगला क्वेश्चन यदि एमपीसी की वैल्यू 0.5 है देन एमपीएस विल बी, एमपीसी और एमपीएस हमेशा 1 के इक्विवेलेंट होते हैं, एमपीसी एंड एमपीएस इज ऑलवेज इक्वल्स टू वन। अब यदि एमपीसी 0.5 है तो एमपीएस कितना होगा, ये भी 0.5 होगा, मेरा ऑप्शन है बी। अगला कहता है द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स इन इंडिया, तो इंडिया में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, खत्म होगा 31 मार्च को, ऑप्शन रहेगा बी। अगला क्वेश्चन व्हेन वाज गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंप्लीमेंटेड इन इंडिया, तो ये इंप्लीमेंट हुआ 1 जुलाई 2017 से, ऑप्शन डी। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ ट्रेड अकाउंट, तो ट्रेड अकाउंट में आता है गुड्स का इम्पोर्ट, गुड्स का एक्सपोर्ट, तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट इसके अंदर आता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो वो नहीं रहेगा ट्रांसफर पेमेंट। अगला कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडीड इन, या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट की स्टडी करेंगे, तो वहां पर कंज्यूमर के टेस्ट की भी स्टडी होगी, फर्म के बिहेवियर की भी स्टडी होगी, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी की भी स्टडी होगी, तो ऑल ऑफ दिस। एक बात और, अगर एग्जामिनेशन में इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है, तो एक बार आप लोग हिंदी में जरूर पढ़ के देखें, मेरी उम्मीद है आपको जरूर मिल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा या फिर इस क्वेश्चन में करना क्या, डिमांड क्या है क्वेश्चन की। अगला है 10th, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नोन एज, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक कॉस्ट। अगला क्वेश्चन द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्ट इन बजट लाइन, बजट लाइन के शिफ्ट के लिए कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, वो है इनकम। अगर इनकम बढ़ती है तो बजट लाइन राइट वर्ड शिफ्ट होगी, इनकम यदि डिक्रीज होती है तो बजट लाइन लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी, तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ऑप्शन ए। अगला कहता है डिमांड फंक्शन इज, तो डिमांड फंक्शन क्या है, डिमांड फंक्शन है फंक्शनल रिलेशन प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, कैसा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, तो इट इज द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ अ गुड, तो ऑप्शन रहेगा ए। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यू शेप्ड कर्व, तो यू शेप्ड जितने भी एवरेज कॉस्ट के कर्व हैं, चाहे एवरेज कॉस्ट हो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो, मार्जिनल कॉस्ट हो, ये सारे यू शेप्ड हैं एक्सेप्ट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरह से, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अगला कहता है ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल रहेंगे, किस टाइम पीरियड में, लॉन्ग रन में, अदरवाइज शॉर्ट रन में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों रहेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड द मार्केट प्राइस विल बी, अब एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन जनरेट होती है मार्केट वाले चैप्टर में, एक्सेस डिमांड वाली जनरेट होगी मार्केट वाले टॉपिक के अंदर। सबसे पहले ये मेरा डिमांड कर्व, ये मेरा सप्लाई कर्व, यहां पर मेरी आ गई इक्विलिब्रियम प्राइस पी, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस, तो ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहां पर अपन इक्विलिब्रियम पॉइंट नाम देंगे इसे, इसे नाम देंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर वापस ग्राफ बना लें, मेरा डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ये मेरा है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये मेरी प्राइस और ये मेरी क्वांटिटी। एक्सेस डिमांड जनरेट तब होती है जब मार्केट में डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम, और डिमांड बढ़ेगी कब, जब प्राइस होगी कम, प्राइस कम होने से डिमांड इंक्रीज होगी सप्लाई डिक्रीज होगी, इस तरह के गैप को बोलेंगे एक्सेस डिमांड। तो क्वेश्चन पूछ रहा है
एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन में द मार्केट प्राइस विल बी, मार्केट प्राइस होगी इक्विलिब्रियम प्राइस से कम, लेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। अगला कहता है, ये मेरे 15 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब मेरे यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कुछ आएंगे साथ। पहला, इट इज द फेमस बुक बाय कीन्स, तब वो है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। अगला है जो फिल इन द ब्लैंक्स है, द मेन आइटम ऑफ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इज, इसके अंदर रहेगा सब्सिडीज एंड डिफेंस रिलेटेड एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज एंड डिफेंस रिलेटेड एक्सपेंडिचर। अगला कहता है, इट इज द सम ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस, एमपीसी और एमपीएस का सम हमेशा रहता है इक्वल्स टू वन। अगला, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज कॉल्ड, जब गुड्स के बदले गुड्स दिया जाएगा उसे बोलेंगे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, या फिर बार्टर सिस्टम केवल लिख सकते हैं। फिफ्थ कहता है, प्लैंक फंक्शन शोज द रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट, तो इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, ये आएगा प्रोडक्शन फंक्शन। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ लीनियर डिमांड कर्व, तो लीनियर डिमांड कर्व मतलब यहां पर हमें बनाना होगा ज्योमेट्रिक मेथड, ये मेरा लीनियर डिमांड कर्व, मेरे पांच पॉइंट इस जगह रहती है इन्फिनिटी, यहां रहती है मोर देन वन, यहां रहेगी इक्वल्स टू वन, यहां लेस देन वन, यहां जीरो। मिड पॉइंट पर कौन सी डिग्री है, मिड पॉइंट पर है इक्वल्स टू वन, यहां पे आ जाएगा इक्वल्स टू। अगला कहता है, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इज डिटरमाइंड बाई, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस डिटरमाइन करती है इंडस्ट्री, ये मेरे हो गए फिल इन द ब्लैंक्स सेवन क्वेश्चन। अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइम, सबसे पहला इकोनॉमिक एजेंट क्या है, इकोनॉमिक एजेंट मीन्स दोज कस्टमर्स फर्म्स और इंस्टीट्यूशंस विच एंगेज्ड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, उन्हें बोलेंगे हम इकोनॉमिक एजेंट्स। अगला, नेट एक्सपोर्ट क्या है, तो नेट एक्सपोर्ट का बच्चों को फॉर्मूला तो पता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, इसी को कन्वर्ट कर देंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इम्पोर्ट इज नोन एज नेट एक्सपोर्ट, एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इम्पोर्ट इज नोन एज नेट एक्सपोर्ट। अगला, राइट एनी वन सेंट्रल प्रॉब्लम, तीन है, वॉट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हूम टू प्रोड्यूस, मैं केवल एक लिख देता हूं, वॉट टू प्रोड्यूस। बच्चों इसके साथ साथ अपनी तैयारी को बेहतर कैसे बनाएं, तो हमने एक बुक तैयार की है कॉम्प्रीहेंसिव, जिसमें अकाउंटेंसी बिजनेस इकोनॉमिक्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, लास्ट ईयर के बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, करंट ईयर का मॉडल टेस्ट पेपर, करंट ईयर के हाफ ईयरली का पेपर, सारे पेपर आज तक जो हुए हैं वो आपको इस बुक के अंदर मिलने वाले हैं विद सॉल्यूशन। तो इस बुक को आप हमारी एजुकेशन इनसाइट्स एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके इस बुक की फिजिकल कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं। अगला बात करें, व्हाट इज द डिमांड कर्व फॉर्म इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में डिमांड कर्व रहता है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में डिमांड कर्व रहेगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर रहेगी क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर रहेगी प्राइस। अगला कहता है, जीडीपी क्या है, तो जीडीपी मींस मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो एक कंट्री की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए एक साल के दौरान उसकी कंबाइंड मार्केट वैल्यू कहलाती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला, राइट द फॉर्मूला ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो जहां पर क्वेश्चन में याद रखें, एग्जाम में भी जहां पर फॉर्मूला पूछा है फॉर्मूला बताना है, डेफिनेशन पूछी है डेफिनेशन बतानी है। अगला कहता है, हु आर दी पार्टिसिपेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ये पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं, तो पार्टिसिपेंट्स यहां पर रहते हैं प्राइवेट हाउसेस, प्राइवेट फाइनेंस हाउसेस, इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के ब्रोकर्स, ब्रोकर के अंदर मिली जाती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगला कहता है, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट इकोनॉमी, यहां पर एग्जाम्पल इन द सेंस लिखना है मार्केट इकोनॉमी को पहचाना कैसे जाए, एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मार्केट इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक्स है प्राइस इज डिटरमाइंड बाय प्राइवेट सेक्टर्स, और मार्केट इकोनॉमी का एग्जाम्पल है
यूएसए मतलब एक किसी कंट्री में, मुझे बताना है कहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मेरे हिसाब से यहां पर आपको केवल और केवल मार्केट इकोनॉमी को पहचानने का फीचर बताना है, बता सकते हो प्राइस के बेसिस पर या कंज्यूमर सोवरेनिटी के बेसिस पर, या बता सकते हो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के बेसिस पर। अगला कहता है बजट लाइन। बजट लाइन क्या है? तो बजट लाइन इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन दैट कैन बी परचेज्ड विद दी गिवन इनकम, विद दी गिवन इनकम एंड प्राइसेस। तो केवल डेफिनेशन पूछिए सर, इसमें क्या ग्राफ बनाए, एक नंबर का क्वेश्चन है, डेफिनेशन पूछिए, केवल डेफिनेशन बनाए। बच्चे ग्राफ बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, लेकिन कोई अलग से नंबर नहीं मिलेगा। हाउ इज डेफिसिट फाइनेंस्ड बाई दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फाइनेंस जो डेफिसिट उसे फाइनेंस कैसे करती है, गवर्नमेंट को डेफिसिट को फाइनेंस करने का तरीका है सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट या फिर बोरविंग्स। गवर्नमेंट सबसे पहले अपनाती है डिसइन्वेस्टमेंट पहला, इसके बाद बोरविंग्स, और फिर आएगा सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अगला कहता है, ये मेरे हो गए सारे क्वेश्चंस एक एक नंबर वाले, स्टार्टिंग है 15 MCQ, 7 फिलिंदी ब्लैंक्स और 10 क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। अब अगला क्वेश्चन सेक्शन पार्ट बी, सेक्शन बी में 2 नंबर के लिए डिफाइन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट मीन स्टॉक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, स्टॉक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये क्वेश्चन बच्चों 2 नंबर का है, तो केवल डेफिनेशन से काम नहीं बनेगा, बताना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट कितने टाइप का है। तो इन्वेस्टमेंट एक तो है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, और एक है फिक्स्ड एसेट या फिर फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगला कहता है डिफरेंस डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर हम बात करते हैं व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट टू बी, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर बात करते हैं व्हाट आउट टू बी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी हमें फैक्ट एंड फिगर अवेलेबल है या जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है दैट कैन बी वेरीफाइड, जबकि नॉर्मेटिव में वेरीफाई नहीं होगी। पॉजिटिव में वैल्यू जजमेंट पॉसिबल है, सॉरी पॉजिटिव में वैल्यू जजमेंट पॉसिबल नहीं है, जबकि नॉर्मेटिव में वैल्यू जजमेंट पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिफरेंस मैप। तो इंडिफरेंस मैप क्या है? कलेक्शन ऑफ सेवरल इंडिफरेंस कर्व इन अ सिंगल ग्राफ इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। यहां पर आपको ग्राफ बनाना जरूरी है। तो कलेक्शन ऑफ सेवरल आईसीज इन अ सिंगल ग्राफ इज नोन एज इंडिफरेंस मैप, या फिर इंडिफरेंस कर्व की फैमिली को बोला जाता है इंडिफरेंस मैप। अगला कहता है मेंशन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट। दो कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, पहला लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स, दूसरा फर्म इज प्राइस टेकर, प्राइस टेकर फर्म, तीसरा होमोजीनियस प्रोडक्ट। यहां पर आपको एक एक लाइन जरूर लिखनी होगी इन दोनों टॉपिक के अंदर, या फिर ग्राफ बनाना चाहते हैं ग्राफ वाला और ही अच्छा है कि इस तरह के मार्केट में जो डिमांड कब रहता है वो रहता है परफेक्टली इलास्टिक दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शन कौन कौन से हैं? तो पहला फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, और दूसरा है एडवांसिंग लोन्स, एडवांसिंग लोन्स। सर इसके अंदर लिखना क्या जरूरी है? अच्छा 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप एक एक लाइन हर एक टॉपिक के अंदर लिख सकते हैं। अगला कहता है एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर। अब सर क्यों लिखा है मल्टीप्लायर, कौन सा मल्टीप्लायर है, इन्वेस्टमेंट है कि ये मनी मल्टीप्लायर है? तो बच्चों जो बैंकिंग वाला टॉपिक है इसमें से जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो केवल एक ही आने वाला है, वो आ चुका है कमर्शियल बैंक के फंक्शन वाला। इसका मतलब ये टॉपिक आया है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में से, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मुझे यहां बताना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो मुझे यहां एक्सप्लेन करना होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कैसे एक्सप्लेन करेंगे?
इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रिलेशन बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले सपोज इकोनॉमी में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया और मान के चले एमपीसी की रेट 0.8 है, तो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया तो इनकम बढ़ी 100 करोड़ से, इसमें से 80 करोड़ हुआ खर्च, 20 करोड़ हो गया सेव। अब ये 80 करोड़ वापस इकोनॉमी के अंदर आया, इसमें से 80% वापस खर्च हुआ, 20% हो गया सेव। अब ये प्रोसेस चलती जाएगी, ये प्रोसेस तब तक चलती जाएगी जब तक मेरे मल्टीप्लायर की वैल्यू, मल्टीप्लायर फॉर्मूला क्या है, 1/1 माइनस एमपीसी, तो 1/1 माइनस 0.80, तो ये आ गया 1/0.20, ये आ गया 5 times। तो जब तक मेरी इनकम 5 गुना इंक्रीज नहीं होती, 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट करने से इनकम जब तक 500 करोड़ नहीं होगी एग्रीगेट, तब तक ये प्रोसेस चलती जाएगी। इकोनॉमी में टोटल इन्वेस्टमेंट 500 करोड़, टोटल कंजम्पशन होगा 400 करोड़, टोटल सेविंग 100 करोड़। ये है प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर। अगला कहता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन क्या है, एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर कुछ फैक्टर फिक्स्ड है और कुछ फैक्टर है वेरिएबल, वो है शॉर्ट रन। और शॉर्ट रन में अप्लाई होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, जबकि लॉन्ग रन में सारे फैक्टर रहेंगे वेरिएबल, और यहां अप्लाई होगा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, यहां अप्लाई होगा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। बच्चों इस पूरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको सेम जो हम एप्लीकेशन की बात कर रहे थे वहां पर आपको पूरे मॉडल टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन डिटेल्ड फॉर्म में मिलने वाला है, किस तरह से आपको एग्जामिनेशन में प्रेजेंट करना है। मुझे 2 नंबर का क्वेश्चन था, मैंने 2 अंतर बता दिए, पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेकर, दूसरा लॉ कौन सा अप्लाई होगा दोनों टाइम पीरियड में। अगला कहता है व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम, ऑल्सो मेक अ डायग्राम। तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर डिमांड और सप्लाई, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल है, वो कहलाता है मार्केट इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पर जो क्वांटिटी है वो कहलाती है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और जो प्राइस है वो कहलाती है इक्विलिब्रियम प्राइस। ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ के लिए मैं आपको एक बार और बता चुका हूं, हर बार ये ग्राफ बनाने के साथ साथ एक्स एक्सिस पे हमें कौन सा वेरिएबल प्लॉट करना है वो बताना जरूरी है। यहां प्लॉट करना है क्वांटिटी और यहां प्लॉट करना है प्राइस, वैल्यू नहीं लिखनी है, केवल बताना है यहां कौन सा वेरिएबल आएगा, यहां कौन सा वेरिएबल आएगा। ये मेरा आ गया डिमांड कर्व, ये मेरा आ गया सप्लाई कर्व। यहां पर ये जो पॉइंट है जहां पर सप्लाई और डिमांड दोनों कर रहे हैं इंटरसेक्ट, ये पॉइंट कहलाता है मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट। आप चलें आगे और 12th कहता है कंजम्पशन फंक्शन इक्वेशन दे रखी है सी इक्वल्स टू 40 + 0.85, इन्वेस्टमेंट गिवन है आई इक्वल्स टू 10, हमें निकालनी है इक्विलिब्रियम इनकम, मुझे निकालनी है वाई की वैल्यू। किस तरह से निकालेंगे, तो मुझे ये पता है जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है तो एडी और एएस हमेशा इक्वल होते हैं और एएस हमेशा वाई के इक्वल होता है। और एडी का क्या फॉर्मूला है, एडी का फॉर्मूला है सी बार प्लस बी वाई, ये हो गया मेरा कंजम्पशन और प्लस इन्वेस्टमेंट। निकाल दें सी बार प्लस बी वाई 40 + 0.8 प्लस आई की वैल्यू गिवन है 10 और यहां पर वैल्यू है वाई, तो y मैं यहां y में से माइनस कर देता हूं 0.80y, यहां हो गया 50, तो ये आ जाएगा 0.20y इक्वल टू 50, तो मेरे y की वैल्यू आ गई 250। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन ट्रेड डेफिसिट एंड ट्रेड सरप्लस। ट्रेड डेफिसिट क्या है, जब इकोनॉमी के अंदर गुड्स का एक्सपोर्ट, इकोनॉमी से गुड्स का एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट ज्यादा है, वो कहलाता है ट्रेड डेफिसिट। और ट्रेड सरप्लस क्या है, जब एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है वो कहलाता है ट्रेड सरप्लस। तो ट्रेड डेफिसिट व्हेन एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट इट इज नोन एज ट्रेड डेफिसिट। और ये बताता है कि इकोनॉमी के अंदर पोटेंशियल कम है, जबकि अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है ये कहलाएगा ट्रेड सरप्लस। अगला डिफाइन डिवेल्यूशन, व्हाट इफेक्ट डज डिवेल्यूशन हैव ऑन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। डिवेल्यूशन क्या है, डिवेल्यूशन मींस डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर।
डिक्रीज इन परचेसिंग पावर ऑफ होम करेंसी ड्यू टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जब भी गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की वजह से होम करेंसी की परचेसिंग पावर होती है डिक्रीज, यहां पर दिया नहीं है कि डिवेल्यूशन ऑफ होम करेंसी है या फिर डिवेल्यूशन ऑफ फॉरेन करेंसी है, तो मान के चल रहे हैं डिवेल्यूशन होम करेंसी ही है। तो जब भी गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की वजह से होम करेंसी की वैल्यू होती है डिक्रीज, वो कहलाता है डिवेल्यूशन। अब डिवेल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिवेल्यूशन का इफेक्ट, डिवेल्यूशन पहले सपोज मेरे एक डॉलर में थे 50 रुपए, अब एक डॉलर में हो गए 60 रुपए। अब इसका इफेक्ट ये आया कि इंडिया के लोगों के लिए डॉलर हो गया महंगा, जबकि बाहर वाले अमेरिका के लोगों के लिए या फिर जो भी इंटरनेशनल मार्केट है फॉरेन नेशन है उनके लिए रुपये हो गया सस्ता। तो वो क्या करेंगे, इंडिया से जो प्रोडक्ट आज परचेज करने वाले थे ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करेंगे, लेकिन हम इंडिया के लोग बाहर से जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे थे पहले वो नहीं करेंगे। इसका मतलब हमारे इम्पोर्ट गिरेंगे और एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे, ये इफेक्ट है डीवैल्यूएशन का। तो इससे क्या इफेक्ट आने वाले, डीवैल्यूएशन की वजह से हम अपने इम्पोर्ट रिड्यूस करते हुए चले जाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे अपने, तो हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसी की सप्लाई होगी इंक्रीज, हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी की डिमांड होगी डिक्रीज। तो आने वाले समय में एक्सचेंज अपनी करेंसी की एक्सचेंज बढ़ने लगेगी। आगे कहता है मेंशन एनी टू कैटेगरीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दो कैटेगरी बतानी है, कैटेगरी मतलब डिग्री। तो एक डिग्री पीडी इक्वल्स टू वन, एक डिग्री पीडी इक्वल्स टू या फिर पीडी इज मोर देन वन। तो इक्वल्स टू वन का मतलब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, और यूनिटरी का मतलब क्या होता है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्यूडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ग्राफ बनाना चाहते हैं ग्राफ भी बना सकते हैं, ये लीजिए आपका बन गया ग्राफ, और मोर देन वन वाले का थोड़ा फ्लैटर ज्यादा रहेगा, ये मोर देन वन वाले का ग्राफ। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस दैट इज नोन एज पीडी इज मोर देन वन या फिर इलास्टिक डिमांड। ये बात थी बच्चों अपने कुछ दो दो नंबर के क्वेश्चन की। अब सेक्शन सी बात करेंगे तीन तीन नंबर के क्वेश्चन की। इस बार खास बात है मेरे पास चॉइसेस अवेलेबल है। पहला कहता है डिफरेंस बताना है स्टॉक एंड फ्लो, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड में। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट कहता है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू हम एक पर्टिकुलर डेट पर मेजर कर रहे हैं वो स्टॉक है, जबकि फ्लो कहता है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर पीरियड के बेसिस पर मेजर कर रहे हैं वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है डेट डायमेंशनल, डेट डायमेंशनल। और ये वाला कॉन्सेप्ट है मेरा टाइम डायमेंशन। दूसरा कहता है कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या है, ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए वो कहलाते हैं कंज्यूमर गुड, और ऐसे गुड जो प्रोड्यूसर परचेज करेंगे कैपिटल फॉर्मेशन के लिए वो कहलाएंगे कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स चार टाइप के हैं जिसमें आता है ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल सर्विसेज, जबकि जो भी कैपिटल गुड्स में उसमें आते हैं मेनली ऐसे गुड जिनकी लाइफ एक साल से ज्यादा है जैसे मशीनरीज। इसी में और वाला है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेशनल इनकम एट नेट फैक्टर कॉस्ट, मतलब मुझे निकालनी है एनएनपीएफसी, मुझे निकालनी है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ कहता है जीडीपी वैल्यू 1000 करोड़ है, एनएफआई मुझे 150 करोड़ दे रखा है, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है 200 और डेप्रिसिएशन गिवन है 50 करोड़, मुझे निकालनी है एनएनपीएफसी, और मुझे वैल्यू गिवन है जीडीपी की, मतलब जीडीपी एमपी, मुझे वैल्यू गिवन है जीडीपी एमपी की। पहुंचना सबसे पहले ग्रॉस से मुझे नेट तक पहुंचना है, तो क्या करेंगे डेप्रिसिएशन माइनस, मैंने डेप्रिसिएशन कर दिया माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल पर पहुंचना है तो मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड प्लस करूं, अगर नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड दे रखा है तो वो कर दूं माइनस, मुझे क्या गिवन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो ये करेंगे प्लस, ये करेंगे प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और माइनस करेंगे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो 1000, तो मेरा आ गया जी 1000 माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का अमाउंट 50 प्लस एनएफआई
150 तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 200, तो 200, 250, 150, तो ये आ जाएगा कुछ 900, और ये करोस 150 प्लस के 250 माइनस के, तो वो हो गए माइनस के 100, ये आ गया मेरा 900 करोड़। ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 16। बात करें 17 की, एक्सप्लेन रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स ऐसी रिसीट्स जिनसे एसेट्स ना डिक्रीज होंगी और ना ही लाइबिलिटी होंगी इंक्रीज, वो रेवेन्यू रिसीट है। जबकि कैपिटल रिसीट्स ऐसी रिसीट्स जिनसे एसेट्स होती है डिक्रीज या लाइबिलिटी होती है इंक्रीज, वो है कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर आता है टैक्स रिसीट्स, नॉन टैक्स रिसीट्स, टैक्स में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, नॉन टैक्स में इनकम फ्रॉम पीएसयू, इनकम फ्रॉम एस्टेट, इसके अलावा डोनेशंस, फीस, फाइन्स, पेनल्टीज एटसेट्रा। कैपिटल रिसीट्स में डिसइन्वेस्टमेंट, इसके अलावा बोरोइंग्स एटसेट्रा, या फिर गवर्नमेंट ने जो लोन दिया है स्टेट गवर्नमेंट को उसकी रिकवरी करती है, तो वो भी आ जाएगा कैपिटल रिसीट में। ये बात थी 17वें के पहले वाले की। अब है दूसरा, डिस्कस द इश्यू ऑफ डेफिसिट रिडक्शन। तो डेफिसिट रिडक्शन का मतलब इकोनॉमी में जब भी गवर्नमेंट की रिसीट्स कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं डेफिसिट। अब डेफिसिट का इफेक्ट क्या आता है? डेफिसिट से गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स रेट करेगी इंक्रीज, या फिर गवर्नमेंट करेगी डिसइन्वेस्टमेंट, या फिर गवर्नमेंट बोरोइंग्स करती है। गवर्नमेंट के पास डेफिसिट को रिड्यूस करने के तीन ऑप्शन है। अगर गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कम करेंगे तो इकोनॉमी, सॉरी, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू टैक्स की वजह से इंक्रीज होगी, तब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन राइज होगा, महंगाई बढ़ेगी। डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर का एनकरेजमेंट बढ़ेगा, या प्राइवेट सेक्टर का इंटरवेंशन बढ़ेगा इकोनॉमी के अंदर। प्राइवेट सेक्टर का इंटरवेंशन बढ़ेगा, अच्छी क्वालिटी का गुड्स प्रोड्यूस होगा, लेकिन इकोनॉमी में इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी। इनइक्वालिटी का मतलब जो डेवलप्ड एरियाज हैं, जो रिच पीपल्स हैं, रिच और पुअर के बीच में डिफरेंसेस बढ़ेंगे, एरियाज की डिस्पेरिटी है वो इंप्रूव होने लगेगी। बोरविंग, बोरविंग करने से क्या होगा? गवर्नमेंट फ्यूचर में, कि गवर्नमेंट जब भी बोरोइंग्स का रीपेमेंट करेगी, तो हो सकता है रीपेमेंट के लिए पैसा उधार ले आरबीआई से, या हो सकता है जो पब्लिक को पैसा मिले या जो इंडस्ट्रीज को पैसा मिले, उस पैसे में से गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग्स को रीपेड करना स्टार्ट कर दे, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा आने वाले समय में फ्यूचर में, जिसे बोलेंगे क्राउडिंग आउट इफेक्ट, जिसे बोलेंगे क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ये बात थी डेफिसिट रिडक्शन के इशू के बारे में, कि कब अराइज हुआ, कौन कौन से इंप्लीकेशन होंगे और इंप्लीकेशन से क्या फर्दर इफेक्ट आने वाले हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, 3 नंबर का ये मेरे ख्याल से तीसरा क्वेश्चन। बिल्कुल, क्या कहता है? ब्रीफली एक्सप्लेन एपी एंड एमपी। तो आपको यहां पे बताना है एपी और एमपी के बीच का रिलेशन। देखें क्या रिलेशन है एपी और एमपी के बीच में। स्टार्टिंग में ये मेरा एमपी और ये मेरा एपी। स्टार्टिंग में एमपी और एपी दोनों बढ़ेंगे, लेकिन एमपी ज्यादा होगा एपी से। मेरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पर है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड और वाई एक्सिस पर है एमपी एंड एपी। तो स्टार्टिंग में एमपी ज्यादा है एपी से, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा एक पॉइंट पर एमपी और एपी दोनों होंगे इक्वल। ये होगा एपी का हाईएस्ट पॉइंट। इस पॉइंट के बाद एपी होगा ज्यादा, एमपी होगा कम। एमपी जीरो भी हो सकता है, एमपी हो सकता है नेगेटिव, लेकिन एपी हमेशा रहेगा पॉजिटिव। अगला कहता है कैलकुलेट एपी एंड एमपी इन दी फॉलोइंग टेबल। एपी और एमपी की वैल्यू निकालनी है। तो स्टार्टिंग में जब लेबर जीरो है, टीपी जीरो है, यहां पर एपी और एमपी की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। इसके बाद पहला लेबर लगी, उसने बनाई 5 यूनिट, तो एपी आया 5, क्योंकि एपी का फॉर्मूला क्या है? एपी का फॉर्मूला है टीपी अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर। एमपी का क्या फॉर्मूला है? एमपी का फॉर्मूला है टीपी एन माइनस TPN-1। तो मैंने पहली लेबर से प्रोडक्शन किया 5,
जीरो लेवल का प्रोडक्शन था जीरो, तो एमबी भी आ गया यहाँ पे पांच। इसके बाद दूसरी लेवल से कंबाइंड प्रोडक्शन 15 है, तो एवरेज आ गया 7.5 और एमपी आ गया 10। तीसरी लेबर का कंबाइंड प्रोडक्शन तीन लेबर का 30 है, तो एवरेज आ गया मेरा 10 और एमपी आ गया 15। चौथी लेबर का टीपी 40 है, तो एपी आ गया मेरा वापस 10 और मेरा एमपी आ गया 10। ये बात थी टीपी, एमपी और एपी की। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला कहता है द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी इज ₹10, प्राइस यदि 10 रुपए है और सप्लाई 100 यूनिट है, इफ द प्राइस इंक्रीजेस टू ₹12, अगर प्राइस बढ़ के हो गई 12 एंड सप्लाई इंक्रीजेस टू 150, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मुझे निकालनी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू। क्या फॉर्मूला है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू। क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ? डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन दी क्वांटिटी, तो क्वांटिटी निकालेंगे कैसे? नई क्वांटिटी माइनस पुरानी क्वांटिटी, नई क्वांटिटी माइनस पुरानी क्वांटिटी, तो प्राइस में चेंज, नई प्राइस माइनस पुरानी प्राइस, मल्टीप्लाई पुरानी प्राइस डिवाइडेड पुरानी क्वांटिटी। नई क्वांटिटी कितनी है? 150, पुरानी क्वांटिटी कितनी है? 100, प्राइस नई है 12, पुरानी है 10, मल्टीप्लाई भी पुरानी प्राइस 10, पुरानी क्वांटिटी। तो यहां से सॉल्यूशन ये आ जाएगा 50 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 10, तो 10 फाइव 50, तो ये आ गया 2.5। फिर दूसरा तरीका निकालने का, मेरा पहले क्वांटिटी पहली थी 100, अब हुई है 150, तो क्वांटिटी चेंज हुई है 50% से, प्राइस पहले थी 10 अब हुई है 12, प्राइस बढ़ गई है 20% से, तो मेरी प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई आ गई 2.5। अगला कहता है एक्सप्लेन द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म। सप्लाई कर्व को डिटरमाइन करने वाले या फिर सप्लाई कर्व को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो पहला तो फैक्टर है प्राइस ऑफ ओन गुड, दूसरा है प्राइस ऑफ अदर गुड, तीसरा है नंबर्स ऑफ फर्म इन द मार्केट, फिर है कॉस्ट ऑफ इनपुट यूज्ड, टेक्नोलॉजी, इसके अलावा गोल ऑफ दी फर्म। अब यहां मुझे एक्सप्लेन करने हैं, क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो मुझे लिखा हुआ है कोई 2 एक्सप्लेन करने हैं, तो इनमें से मैं कोई से 2 एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन बताना होगा किस तरह से अफेक्ट करेंगे वो। जैसे प्राइस ऑफ ओन गुड है, प्राइस ऑफ ओन गुड कैसे अफेक्ट करता है? अगर ओन गुड की प्राइस मेरी पहली प्राइस पी क्वांटिटी क्यू, अगर ओन गुड की प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ेगी, अगर ओन गुड की प्राइस गिरती है सप्लाई भी गिरेगी, तो ये मेरा आ गया सप्लाई कर्व अपवर्ड। दूसरे की बात करूं तो अदर फैक्टर्स में ये मेरा अपने गुड की प्राइस रहेगी कांस्टेंट, अगर मेरे सप्लायर की प्राइस बढ़ती है तो मेरी सप्लाई गिरेगी, और यदि सप्लायर की प्राइस गिरती है तो मेरी सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई कर्व रहेगा मेरा पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। ये बात थी, मुझे कोई 2 फैक्टर एक्सप्लेन करने थे, आप कॉस्ट ऑफ इनपुट वाला भी एक्सप्लेन कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ा क्या करेंगे? प्रॉफिट कम हो जाएगा, सप्लाई कर देंगे डिक्रीज, अगर डिक्रीज हुआ तो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, सप्लाई कर देंगे इंक्रीज। ये बात थी 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन। अब 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला फंक्शन इश्यूइंग ऑफ करेंसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई करेंसी इश्यू करती है, जितने भी नोट्स, जितने भी इकोनॉमी के अंदर पेपर नोट्स हैं वो सारी आरबीआई के पास ही सोल राइट है प्रिंट करने का। रिजर्व बैंक फॉरेन करेंसी के रिजर्व मेंटेन करती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करती है, ये बैंकर्स बैंक है, और जब भी कमर्शियल बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट होगी आरबीआई लोन देगी। इसके अलावा मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। क्वेश्चन 4 नंबर का है, आपको 4 पॉइंट एक्सप्लेन करने हो। इसी में और कहता है बार्टर सिस्टम के डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं, तो डिसएडवांटेज नंबर 1 और फर्दर हाउ डज करेंसी रिमूव दिस इफेक्ट। तो जैसे जैसे हम डिसएडवांटेज बताते हुए जाएंगे, या तो उसी के साथ साथ आप एक एक लाइन ऐड करते चले कि मनी सिस्टम ने कैसे ये इफेक्ट एलिमिनेट कर दिए, या फिर दूसरा तरीका
पहले आप एडवांटेजेस बता दें, फिर इसके बाद मनी सिस्टम ने कैसे वो सारे एडवांटेजेस सारे डिसएडवांटेजेस को एडवांटेजेस में कन्वर्ट किया। तो कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं? पहला स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। दूसरा डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तीसरा स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू। चौथा मेजर ऑफ वैल्यू। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, कि हमें पार्टर सिस्टम के अंदर किसी व्यक्ति को दो महीने के बाद पेमेंट कर रहे हैं तो कैसे डिटरमाइन करें उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को, कि हमने दो महीने पहले जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए क्या वही क्वालिटी है या नहीं। अगर क्वालिटी चेंज हो गई तो वापस कैसे डिटरमाइन करेंगे कि अब नए कॉन्ट्रैक्ट में कितनी क्वांटिटी रहनी चाहिए। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, दो लोग जिनके पास सेम प्रोडक्ट जिसकी रिक्वायरमेंट एक दूसरे को है ऐसे लोगों का मिलना बहुत जरूरी है। स्टोर ऑफ द वैल्यू, बार्टर सिस्टम में उस कॉमोडिटी को स्टोर करने के लिए बहुत बड़े स्पेस की रिक्वायरमेंट थी। मेजर ऑफ द वैल्यू, किसी भी आदमी की वेल्थ ओवर द टाइम पीरियड चेंज होती हुई जाती थी। और इसी का मनी सिस्टम ने कैसे ओवरकम किया, मनी सिस्टम में कोई भी डेफर्ड पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं, मनी की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी। डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, हर एक पर्टिकुलर आइटम को मनी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, मनी को इजिली स्टोर कर सकते हैं। पेपर टाइल्स के फॉर्म में एट प्रेजेंट तो मनी को हम इजिली स्टोर कर सकते हैं बैंक्स में, वहां पर हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा। पर मेजर ऑफ वैल्यू, एट प्रेजेंट मनी सिस्टम की वजह से किसी भी पर्सन की वेल्थ को इजिली मेजर किया जा सकता है। ये बात थी चार नंबर के पहले क्वेश्चन की। दूसरा कहता है 21 नंबर वाला, ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व। तो बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व की मदद से, तो ये मेरा हो गया बजट लाइन, ये मेरा हो गया इंडिफरेंस कर्व। बजट लाइन है जो हमेशा रहती है कॉन्स्टेंट, यहां पर मेरे प्रोडक्ट एक्स या गुड एक्स, गुड एक्स, और यहां पर मेरा गुड वाई। इंडिफरेंस कर्व मेरा रहता है कॉन्वेक्स, बजट लाइन रहती है स्ट्रेट, बताना होगा स्ट्रेट और कॉन्वेक्स क्यों है। ये कॉन्वेक्स है ड्यू टू द प्राइस, कॉन्स्टेंट प्राइस, और ये कॉन्वेक्स है ड्यू टू द डिक्रीजिंग एमआरएस। बतानी पड़ेंगी कंडीशंस कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन इन दोनों के जो स्लोप है वो होंगे इक्वल, इन दोनों के स्लोप होंगे इक्वल, और इन दोनों का टेंजेंट होना जरूरी है, इन दोनों का टेंजेंट होना जरूरी है। अगर टेंजेंट नहीं है तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन नहीं होगा। एक्सप्लेन द शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड मूवमेंट इन डायरेक्शन ऑफ डिमांड कर्व। तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या है? डिमांड कर्व में शिफ्ट का मतलब ये मेरा प्राइस, प्राइस रहेगी कॉन्स्टेंट। डिमांड कर्व शिफ्ट या तो राइटवर्ड या डिमांड कर्व होगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट तब होगा जब फेवरेबल चेंज होंगी, देयर इज फेवरेबल चेंज, जैसे इनकम बढ़ती है या फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ेगा या फिर पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा या फिर रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट की प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस गिरती है और सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ेगी, तब होगा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट जब अनफेवरेबल चेंज होंगे सारे, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे प्राइस। ये तो हो गया मेरा शिफ्ट। फिर इसमें कहता है मूवमेंट क्या है? तो मूवमेंट का मतलब जब डिमांड कर्व में प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से ही, प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से ही चेंज होगा, अदर फैक्टर रहेंगे कॉन्स्टेंट। जैसे मेरा ओरिजिनल प्राइस पी, क्वांटिटी क्यू, ये मेरा पॉइंट आ गया डी यहां पे। अब जैसे प्राइस बढ़ी डिमांड होनी है कम, ये नया पॉइंट आ गया इस जगह, ये मेरी नई क्वांटिटी डिमांडेड और नई प्राइस। इसे बोलेंगे जब प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड गिरी, इसे बोलेंगे डिक्रीज या फिर कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस डिक्रीज होने की वजह से डिमांड बढ़ी, इसे बोलेंगे एक्सटेंशन या फिर इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड।
सेम ऐसा ही जो सप्लाई में, हमने सप्लाई में बात की, सप्लाई में भी आप इस तरह ग्राफ बना सकते हैं। सप्लाई वाले में भी कि मेरा प्राइस कांस्टेंट, सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग रहता है, जब अदर फैक्टर्स चेंज होंगे या तो सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट होगा या सप्लाई का होगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 21 की। अब है आखिरी क्वेश्चन नंबर 22। 22 में कहता है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में तीन स्टेजेस हैं। पहला इंक्रीजिंग रिटर्न्स, दूसरा डिक्रीजिंग रिटर्न्स, तीसरा नेगेटिव रिटर्न्स। तीन स्टेज हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और नेगेटिव। इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब जब टीपी बढ़ता है ज्यादा रेट से, डिक्रीजिंग का मतलब टीपी बढ़ेगा कम रेट से, और फिर टीपी बढ़ेगा एक, फिर टीपी गिरने लगेगा। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और नेगेटिव रिटर्न्स। पहले टीपी बढ़ेगा ज्यादा रेट से, फिर टीपी बढ़ेगा कम रेट से, और फिर एक टाइम पीरियड के बाद गिरने लगेगा। एमपी की बात करें तो एमपी पहले इंक्रीज होगा, फिर जैसे टीपी कम रेट से बढ़ने लगेगा एमपी डिक्रीज होगा, जहां पर टीपी होगा मैक्सिमम वहां होगा एमपी जीरो, और टीपी जैसे ही गिरने लगेगा एमपी हो जाएगा नेगेटिव। इसी में एक्सप्लेन ग्राफिकली द रिलेशन बिटवीन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट के बीच का रिलेशन, ये मेरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और ये मेरा, एक वापस बनाए, पहले मेरा पहले बना लेते मार्जिनल कॉस्ट का, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, और फिर मेरा आएगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ये आ गया मेरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट रिलेशन। सबसे पहले मार्जिनल और एवरेज कॉस्ट दोनों गिरेंगी ड्यू टू द इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये वाला लॉपलाइन नहीं होगा, लॉपलाइन होगा रिटर्न्स टू स्केल वाला। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बोथ डिक्रीजेस ड्यू टू रिटर्न्स टू स्केल एट अ पॉइंट, बोथ आर इक्वल, इट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट, आफ्टर दैट पॉइंट एमसी एंड एसी बोथ राइजेस, लेकिन दिस टाइम एमसी इज मोर देन एसी। तीन रिलेशन, पहला एमसी कम होगा एसी से, दूसरा एमसी और एसी होंगे इक्वल, ये होगा एसी का लोएस्ट पॉइंट, तीसरा इस पॉइंट के बाद एमसी ज्यादा होगा एसी कम होगा। ये बात थी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट में, और ये मैंने बात कर ली पहले टीपी और एमपी के रिलेशन की। फिर वापस टीपी और एमपी का रिलेशन भी देख लें, तो स्टार्टिंग में एमपी इंक्रीज होगा, टीपी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, दूसरा एमपी फिर डिक्रीज होगा लेकिन टीपी होगा इंक्रीज डिक्रीजिंग रेट से, तीसरा एमपी होगा जीरो, टीपी होगा कांस्टेंट प्लस मैक्सिमम, फिर एमपी हो जाएगा नेगेटिव और टीपी यहां पर आपके लिए गिरना स्टार्ट कर देगा। ये फोर्थ वाला फेज आपको लिखना है, लिख सकते हैं, अदरवाइज एनसीईआरटी में फोर्थ फेज नहीं, मतलब एनसीईआरटी अकॉर्डिंग एमपी जीरो या फिर नेगेटिव कभी नहीं हो। ये बात थी बच्चों आखिरी क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 32, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 22, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से आ चुके हैं। इनकेस अभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं आपकी क्वेरी को जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ऐसे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हम अगले लेक्चर्स में, इसका पूरा डिटेल्ड आपको सॉल्यूशन चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, वो आप हमारी एजुकेशन इनसाइट्स एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले अपने अगले लेक्चर्स में, तब तक बने रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।